हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ पे जो ये चना होता है जिसको काला चना बोलते हैं, इसकी मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैं इसको पहले कुकर में रख के बॉईल कर दूँगी। तो यहाँ मैंने कुकर ले लिया है और ये 2 कटोरी चना है, इसको मैं 5 लोगों के लिए बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने कुकर में चना डाल दिया है और इसमें मैं चुटकी भर नमक डालूँगी और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। तो पानी चने के थोड़ा सा ऊपर आ गया है, उतना मैंने पानी लिया है। तो इसको बॉईल करने के लिए मैं रख देती हूँ। चना को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और तब तक जब तक वो बॉईल हो रहा है, यहाँ पे मैं अपना मसाला जो है तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 5 प्याज लिया है, 2 टमाटर लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, 7-8 लहसुन की कली ली है और ये 3 से 4 लहसुन मैंने ऐसे लिया है। तो इसको मैं उसमें डाल दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने तड़के के लिए जो है तेज़पात लिया है, जीरा लिया है, 1 लाल खड़ी मिर्च ली है, बड़ी वाली इलायची ली है और 6-7 जो है लहसुन की कली ली है। और ये मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है और ये खड़ा धनिया लिया है। इसको मैं गरम करके जो मैं मसाला पीसूंगी उसके साथ मैं इसको पीस लूँगी। और यहाँ पे सब्जी मसाला है और थोड़ी सी हल्दी है। तो बस मैं यहाँ पे 1 प्याज कट कर लूँगी। और 1 टमाटर कट कर लूँगी। अदरक का टुकड़ा इसमें डाल दूँगी और ये जो लहसुन है इसको मैं इसमें डाल दूँगी। और ये धनिया और जीरा इसको मैं थोड़ा सा भून के इसके साथ डाल के मैं इसको पीस लूँगी। तो चलते हैं इसको पीस लेते हैं। जीरा और धनिया को मैंने गरम करके जार में डाल दिया है और इसी में जो मैंने लहसुन, अदरक और 1 प्याज 1 टमाटर कट किया है इसको डाल के मैं पीस के मसाला इसका तैयार कर लूँगी। तो ये मैंने मसाला पीस लिया है, बस इसको कटोरी में निकाल देती हूँ। अब बचे हुए प्याज और टमाटर को मैं कट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने प्याज और टमाटर कट कर लिया है, यहाँ पे मैंने लहसुन भी रख लिया है। तो यहाँ मैंने कुकर चढ़ा दिया है, अब मैं इसमें ऑयल डाल लूँगी। इसको चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा हींग डाल दूंगी। हींग डालने के बाद मैं इसमें ये जो तड़के के लिए मैंने रखा है ये सब डाल दूंगी। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद होगा तो आप लोग और भी मिर्चा डाल सकते हैं। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, टमाटर डाल दूंगी। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। अब थोड़ा सा नमक मैंने चने में डाल के बॉईल किया था और यहाँ पे अब जितना भी मुझे नमक डालना है मैं अभी सारा डाल दूंगी। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा। तो यहाँ मैं नमक डाल देती हूँ। और इसको चला के और प्रेशर लगा लेंगे।
फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और एक या दो सीटी आ जाए जिससे कि प्याज और टमाटर खूब अच्छे से गल जाए, तो इसको हम लोग गला लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज टमाटर देखिए गल चुका है, अब इसको ऐसे चलाते हुए थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर को मैंने गला भी लिया था और मैंने थोड़ा सा चलाते हुए इसको मैश भी कर लिया है, और अब बस इसमें मैं ये जो सब्जी मसाला है और हल्दी इसको मैं डाल दूँगी, और ये जो मैंने पीस के मसाला तैयार किया था इसको डाल दूँगी, और इसको खूब अच्छे से चला के मैं भून लूँगी। मसाला को मैं भून रही हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा हल्का सा मैं चीनी डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये मसाले को चलाते हुए भून लेना है, और यहाँ पे मैं ये लहसुन भी डाल दे रही हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कस्तूरी मेथी लिया हुआ है इसको मैं डाल दे रही हूँ, और मसाले को खूब अच्छे से 3-4 मिनट तक मैं अच्छे से भून लूँगी। थोड़ा सा मैं ये जो जार में मसाला लगा हुआ था उसमें मैं पानी डाल के थोड़ा सा पानी भी यही वाला पानी मिक्स कर ले रही हूँ। तो मेरा मसाला भून चुका है, ये देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है। और इसमें मैं थोड़ा सा जो मैंने चना बॉयल किया था उसको मैं मैश करके डाली हूँ ताकि इसका फ्लेवर भी मिक्स हो जाए और ये थोड़ा सा और भी गाढ़ा बनेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, और ये है बॉयल चना, मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं एक आलू भी कट करके डाल रही हूँ, अगर आपको मतलब केवल चना का भी बना सकते हैं बना, इसको अच्छे से चला के मिक्स कर लेना है, और जितना भी चाहिए आप इसमें पानी ऐड कर लीजिए। तो मैं मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर ले रही हूँ। अब बस एक सीटी में और लगाऊंगी तो मैं ढक्कन बंद करके। तो एक तरफ मेरा चना बन रहा है और ये हाँ मैं जा रही थी चावल बनाने, फ्राई चावल बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो इसकी भी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर ली जाए। तो यहाँ पे मैंने चावल को धो लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल लेती हूँ, तो इससे अगर कभी पानी ज़्यादा भी पड़ जाए जैसा भी पड़े तो इससे चावल बहुत खिला खिला सा होता है, चिपकता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके मिक्स कर लिया है, और यहाँ पे मैंने तड़के के लिए यहाँ पे मैंने 4-5 काली मिर्च ली है, लौंग लिया है 2, और 6-7 लहसुन की कलियाँ ली हैं, थोड़ा सा मैंने गाजर कट कर लिया है, तेज़पात लिया है, थोड़ा सा जीरा लिया है, 1 मैंने प्याज कट कर लिया है, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्ती कट कर ली है। तो इसको जब मैं कुकर में ऑयल डाल लूँगी और वो जब गर्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पे काली मिर्च, लौंग, लहसुन, जीरा, तेज़पात और ये मतलब सभी चीज़ों को एक साथ मैं भून लूँगी, चावल डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, बस फ्राई चावल बन जाएगा। और यहाँ पे ना जैसे सर्दी जुकाम में आप सिंपल भी चावल बनाते हो तो उसमें अगर आप काली मिर्च और लौंग डाल देते हैं तो वो नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा करेगा, तो ऐसे आप सिंपल चावल भी बना सकते हैं। तो ये देखिए दोपहर का मेरा लंच तैयार हो चुका है, और ये चने की सब्जी, फ्राई चावल। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है और इसी तरह अगर आप और अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँ। थैंक यू।